कश्मीर शार दस्तूर पे हम मौजूद हैं। तमाम पाकिस्तान भर के आवाम और मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि शार दस्तूर जब सैलाब जदगान को हमारे भाइयों को ज़रूरत हो तो हम इधर मौजूद होते हैं। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती का दिन था तो आज हम इधर मौजूद हैं और बिल्कुल सरकारी मुलाजमीन का जो योम यकजहती है दिन है 10 फरवरी का, इंशाल्लाह ताला 10 फरवरी को भी इधर मौजूद होंगे। ये तमाम मुलाजमीन की जिम्मेदारी है कि अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। तमाम यूनियन एसोसिएशन के साथी, कश्मीर के हवाले से सिर्फ एक पैगाम है कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या तो जवाब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और जल्द या बदेर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि पॉलिसीज़ के अंदर तब्दीली लेके आए। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर भारत में जाके भारत का कुछ हिस्सा हमें पाकिस्तान में शामिल ना करना पड़ जाए। भारत के लिए पैगाम है कि होश के नाखून ले, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जज्बाती है, जज्बात की रो में बह के हमें इंडिया में ना आना पड़ जाए। अल्फाज नहीं है, सख्त अल्फाज अदा करूंगा तो शायद बैन भी कर दिया जाए चैनल और ये सारी चीज़ें। सिर्फ इतना कि कश्मीरी भाइयों के लिए पैगाम है कि अपने आप को आपने अकेला नहीं समझना है, हम आपके साथ थे हैं और आज़ाद करके इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे रहेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 10 फरवरी की तैयारी रखें। तमाम मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि हर सूरत में 10 फरवरी को भी आपने अपनी शिरकत को यकीनी बनाना है। अलायंस में शामिल जितनी यूनियन एसोसिएशन के साथी आज तशरीफ लाए, जिसमें PWD से हमारे साथी हैं, ISCO से साथी हैं, रेडियो के हमारे भाई हैं, रेलवे के भाई हैं, स्टेट ऑफिस के भाई हैं, एजुकेशन से हमारे साथी हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज डिवीजन्स के हैं, कोई अगर साथी रह गया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि फर्दन फर्दन नाम लिया तो एक लंबी फहरिस्त होगी कि आपने आज साबित किया है कि कोई भी मौका हो हम मुलाजमीन इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह ताला इकट्ठे रहेंगे। गैर सियासी थे, हैं और रहेंगे, पूरा मन थे, हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। बहुत शुक्रिया आशिक भाई। बिल्कुल आशिक भाई को भी लाइव लेना। मैं आशिक भाई पैगाम दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगीगा के सरबरा मोहतरम रहमान अली बाजवा साहब ने अगीगा के जेरे तमाम काम करने वाले यूनियंस को, साथियों को दावत दी थी कि आज सरकारी तौर पर स्टेट की तरफ से इस्लामाबाद के अंदर जो कश्मीरियों के लिए उनकी यकजहती के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है, इसमें हमने शिरकत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे कि ये सुबह का टाइम था और छुट्टी का दिन था, हमारे इस्लामाबादियन जो है वो देर तक सोते हैं, इसी तरह पिंडी के साथी भी, लेकिन इसके बावजूद साथी यहाँ पर आए, हमने यकजहती का इजहार किया। हम स्टेट के साथ खड़े हैं, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम हुकूमत के नुमाइंदे हैं, हम हुकूमत के साथी और हुकूमत की आंखें और हुकूमत के कान हैं। और जो हमारी हुकूमत फैसला करती है, जो हुकूमत हमारे लिए और इस मुल्क के लिए काम करती है, हर मामले में हम हुकूमत के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीर हमारा है और हम कश्मीरी भी हैं और हम कश्मीरियों को आज के इस मौके पर उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी, उनकी हिम्मत और उनकी इस्तेकामत को सलाम भी पेश करते हैं कि कोई कौम ऐसी नहीं है जो सदियों से लड़ती रहे और आज भी कश्मीरी अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं और 10 लाख इंडियन आर्मी के सामने खड़े हैं, नहते हैं लेकिन इसके बावजूद खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपने मुर्दा जिस्मों को, शहीद शुहादा को पाकिस्तान के झंडे के साथ लपेट कर दफनाए जाते हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, अगीका के प्लेटफॉर्म से जिस तरह पूरे पाकिस्तान के मेहनत कशों के लिए 10 तारीख का टाइम मोहतरम रहमान अली बाजवा साहब ने दिया है, इंशाल्लाह
हमें उम्मीद है कि आप निकलेंगे, सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद के सरकारी मुलाजमी निकलेंगे तो आपके तमाम हुकूक जिसका वादा किया था हुकूमत ने, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जो अप्रूव्ड हो चुका है, इंशाल्लाह 10 तारीख की शाम को हम लेकर निकलेंगे। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये चीखें घर में बैठकर और टेलीविजन पे बैठकर जो है ना नहीं देखी जाती। सबको आना होगा और बर वक्त यहाँ पे आना होगा, साथियों को लेकर आना होगा और इंशाल्लाह 10 तारीख को हमने अपने हुकूक हर सूरत में लेने हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बस।